हे व्हाट्सअप गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं रोज तरह बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज आपका भाई एकदम बवाल तरीके से एकदम ढांसू एडिट लेके आ चुका है। इस तरीके से आज तक आप लोग फ़ोटो एडिटिंग कोई नहीं बताया होगा जैसे मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। ये देख सकते हैं मैं कैसे किस तरीके से फेस स्मूथ एंड फेस वाइट को मैं स्किन टोन को कैसे किस तरीके से मैंने ऐड किया है आप लोग के सामने। आपका भाई दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी है आपके सामने, यहाँ पे अब आई लाइव प्रूफ में एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा फोटो है, ठीक है। तो जो भी है आपका आदित्य भाई आप लोगों को बड़ा भाई एंड भगवान मानता है, और आप लोगों को एकदम रियल मैं तरीका बताता हूँ, एकदम आसान बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 110% की मतलब गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को आ ही जाता होगा मेरा फोटो वीडियो देखने के बाद एंड तक। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं एंड सोचते हैं ये तो यहाँ पे मैं स्मूथ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में PNG भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर भी ऐड कर लेता हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आप लोग फटाफट से जाते हैं और वीडियो देख के सोचते हैं कि ऐसा तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें फॉलो करके ऐसा मैंने फेस स्मूथ किया है, ठीक है गाइस। तो जो भी है आप लोगों के सामने आपका भाई एडिट किया है, देख सकते हैं ना। तो ऐसे करने के लिए आप लोग बस क्या करना होता है ना, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना होता है और कुछ नहीं है। बस मैं इतना टाइम देके वीडियो को एडिट करता हूँ एंड बनाता हूँ, तो आप लोग 5 मिनट टाइम देके वीडियो को बस एंड तक देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जैसे आप फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल पिक है, ठीक है। तो इसी पिक को मैं एडिट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है गाइज, यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है स्नैपसीड में, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं लाइट वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्टिव टूल करके यहाँ पे जहाँ जहाँ सा लाइट थोड़ा सा कम होगा वहाँ पे केवल लाइट बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे छोटा कर लेंगे सेलेक्टिव को सेलेक्ट करके एंड ब्राइटनेस को बढ़ा के यहाँ से सेचुरेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है गाइज, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आग के नीचे थोड़ा सा है, तो इसको यहाँ भी सेलेक्ट करके एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जूमिंग को छोटा कर देंगे, यहाँ तो ब्राइटनेस को बढ़ा के सेचुरेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हो ही गया है, यहाँ पे ज़्यादा मेरा फोटो ख़राब नहीं था। एंड आप लोग का अगर क्लियरिटी में फ़ोटो नहीं हो तो रेमनी करके अच्छे से यूज कर लीजिएगा यहाँ टूल स्नैपसीड का, आपका फ़ोटो सही हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। एंड देन यहाँ से शेयर कर लेना है इसको लाइट रूम में। तो यहाँ से लाइट रूम में शेयर करके आप लोग आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से लाइट रूम में शेयर हो चुका है। तो यहाँ से सिंपली गाइस यहाँ से लाइट रूम को ओपन कर लीजिएगा एंड आपका जो भी फ़ोटो आया होगा गैलरी से तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा गैलरी से फ़ोटो ये देख सकते हैं आया है, ये मेरा ओरिजिनल पिक है, ठीक। यहाँ से सिंपली गाइस बैक आना है एंड बैक आने के बाद यहाँ से मैं आप लोग को एक प्रीसेट दे दूँगा, प्रीसेट का यूज कर लेना है अच्छे से, ठीक है गाइज। यहाँ पे सोचते होंगे कि प्रीसेट का यूज कर लेंगे हमारा हो जाएगा एक क्लिक में, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारा ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए हैं तब जाके मेरा फोटो ऐसे बना है। तो आप सोचेंगे कि आप मैं केवल प्रीसेट लेके चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ से कॉपी सेटिंग करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना, ठीक है। तो सिर्फ एक क्लिक में ऐसा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे भी कलर आया है, ठीक है, यहाँ पर भी कलर आया है एंड बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कुछ नहीं है, बस सिंपल सा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कई लोगों को मिक्स करना नहीं आता, कलर ग्रेडिंग करना नहीं आता, इस वजह से हम प्रीसेट दे देते हैं। तो यहाँ पे लोग चलाकी करके चले जाते हैं तो उनका फ़ोटो एडिट नहीं हो पाता है, बोलते हैं क्या दीता भाई गलत बताता है। तो ऐसा थोड़ी ना, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा तभी आपको आएगा एंड मेरे जैसा फ़ोटो एडिट करना। तो यहाँ से केवल एक क्लिक में आप लोग का यहाँ हो जाएगा काम। तो यहाँ से शेयर कर लेना आप लोगों को क्या है, ठीक है ना, यहाँ से स्केच बुक में शेयर कर लेना है और स्केच बुक में शेयर यहाँ से शेयर पर क्लिक करके एंड यहाँ भी शेयर पर क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोगों को शेयर कर लेना है स्केच बुक में, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली गाइस एकदम सेम मैं जैसे जैसे मैं अपना फ़ोटो बनाता हूँ वैसे आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से शेयर करने के बाद यहाँ से मेरा फ़ोटो स्केच बुक में ऐड हो चुका है, ठीक है गाइस। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ से लाइब्रेरी वाला ऑप्शन चूज करके, ठीक है, एंड यहाँ से लाइब्रेरी पर चूज करके आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग इस वाले ब्रश को चूज कर लीजिएगा, ठीक है गाइस, इस वाले ब्रश को चूज कर लीजिएगा एंड इस वाले ब्रश को चूज कर यहाँ से सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से फॉलो को आप लोग 7 रख लीजिएगा एंड स्ट्रेंथ को आप लोग 15 रख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को 15 रखने के बाद यहाँ से डन कर लीजिएगा और यहाँ से कलर वाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है गाइज।
तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जूम कर लेना है, ठीक है। एंड जूम करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से अपने ब्रश को साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ से गोल गोल घुमाइएगा अपने स्किन पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जहाँ आपका रेड ब्लैक यहाँ पे आप लोग का स्किन होगा ना, वहाँ पे थोड़ा ब्रश के साइज को बड़ा कर दीजिएगा एंड गोल गोल से घुमाएंगे तो अगल बगल का जो स्किन होगा उसके मैच कर जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप लोग को मैच अच्छे से मैचिंग करा लेना है एंड अच्छे से स्मूथ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो गाल पे करना है ना, तो यहाँ पे जूम कर लीजिएगा एंड ब्रश के साइज़ को कुछ 17-18 रख लीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं घुमा रहा हूँ ना वैसे सेम प्रोसेस करके आप घुमाएंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सेम मेरे जैसा स्मूथ होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर जो भी कोई बोल रहा है कि आदित्य भाई यहाँ पे फेक बताते हो तो बस वीडियो को एंड तक देखो एंड तब बताओ हमको कि हम फेक बताते हैं, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आधा वीडियो मेरा देखेंगे और बोलेंगे कि फेक बता रहा है, यहाँ पे कहाँ मैं फेक बता रहा हूँ, आपके सामने देखिएगा सेम तो बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग की गलत फहमी हो जाती है कि मैं फेक बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं फेक बताता हूँ आप लोगों को, बड़ा भाई एंड भगवान मानते हो आप लोगों को मैं फेक क्यों बताऊँगा, जो भी है रियल है, क्योंकि मैं रियल नहीं बताऊंगा तो मेरा आगे की फैमिली कैसे बढ़ेगी, मैं रियल बताता हूं। बस कुछ लोगों की दिक्कतें होती है, कुछ लोगों की मतलब पता नहीं होती है ना कि कहां से कैसे क्या करें, तो बस इसी में आप लोगों की दिक्कत हो जाती है। तो चलिए थोड़ा बहुत बचा है तो फटाफट से इसको स्मूथ कर लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं डेली स्मूथ करता हूँ, जिनको स्मूथ करना नहीं आता पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ना कि मेरा फोटो स्मूथ होकर तैयार हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप केवल स्मूथ होने के बाद ना यहाँ पे बहुत सारा भी प्रोसेस बचा, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड छोड़ के जाइएगा, नहीं तो ऐसा फोटो एडिट करना नहीं जान पाएंगे आप, ठीक है। शेयर पर क्लिक करके एंड यहाँ से फिर से शेयर पर क्लिक करके यहाँ से अदर पर क्लिक कर लेंगे एंड अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सारा आपका एप्स खोल के आ जाएगा, तो आप लोग को फोटो रूम में शेयर कर लेना है एंड फोटो रूम में शेयर करने के बाद यहाँ पे कुछ इससे लोडिंग लेगा एंड स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इस तरीके से फोटो कट के आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। और रेड यहाँ से मतलब बैकग्राउंड जो भी होगा स्कैन करके कट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ब्लर वाला, ठीक है। ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खिलेगा, यहाँ पे नहीं खुला है तो यहाँ से मेरा नेट स्लो है तो यहाँ पे देख सकते हो दोबारा क्लिक करने के बाद खुल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे मैं इतना स्लो इतना आसान बता रहा हूँ, बस आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से खुलने के बाद यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन चूज करके एंड यहाँ से आप लोग को यहाँ से सेकेंड वाला ब्लर चूज कर लेना है और यहाँ से 10 पे रहने देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से इतना काम होने के बाद यहाँ से शेयर कर लेना है फटाक से अपने फ़ोटो को पिक्सार्ट में, ठीक है गाइस। तो यहाँ से शेयर पर क्लिक करके और यहाँ से पिक्सार्ट में शेयर कर लेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं पिक्सार्ट में शेयर होने के बाद, ठीक है गाइस। तो यहाँ से पिक्सार्ट में शेयर होने के बाद आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो यहाँ से टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेचुरेशन को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सेचुरेशन को क्लिक करके ठीक है। एंड सेचुरेशन प्लस करने के बाद यहाँ से इरेज वाला आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से केवल बैकग्राउंड पर रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। एंड डन होने के बाद यहाँ से फिर से डन कर लेना है, तो देख सकते हैं पहले कैसे था अब कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है ना, स्टिकर पे क्लिक करना है एंड स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके और यहाँ से सर्च मारना है म्यूजिक, ठीक है। एंड म्यूजिक सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ से नीचे ड्रैग करना है, नीचे ड्रैग करने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला PNG मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले PNG को ऐड कर लेना है आप लोगों को सिंपली गाइस। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस प्रकार से ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐड कर किया था मैंने, तो इस प्रकार से रखने बाद यहाँ से इरेज वाइकर में क्लिक करके और यहाँ से बैकग्राउंड पर रख लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से बैकग्राउंड पर रखने बाद फिर से यहाँ से डन कर लेना है एंड डन करने बाद फिर से स्टिकर पर क्लिक करना है एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा म्यूजिक का ऑप्शन दिख जाएगा, तो हम ये वाला म्यूजिक ऐड किए थे तो इस वाले म्यूजिक ऐड कर देते हैं और नीचे यहाँ से फ़ोटो को जूम सेलेक्ट करके छोटा कर देंगे और यहाँ से म्यूजिक पार्ट को पकड़ के और कुछ इस प्रकार से रखेंगे, बीचों बीच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीचों बीच रख लिया है, तो इस प्रकार से रखने के बाद आप लोग को सिंपली गाइस यहाँ पे एक और PNG ऐड करना है, तो फिर से यहाँ से म्यूजिक को रखने के बाद यहाँ पे मैं एक और PNG में बता रहा हूँ कौन सा ऐड कर, लोगों को यहाँ से सॉन्ग सर्च मार लेना, ठीक है।
एंड सॉन्ग सर्च मारने का बाद आप लोग को बहुत सारा देख सकते हैं, मिल जाएगा वैसे ऐसे सॉन्ग वाला मतलब जो भी होगा मतलब ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये वाला पीएनजी मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस वाले पीएनजी को यहाँ पे खींच के रख लेना है एंड ऊपर के साइड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख लेना है एंड फिर से आप लोगों को फोटो को मतलब जो भी आपका क्लिक है उसको ऑन क्लिक कर लेना है, मतलब ऑन सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से सर्च मार लेना है येल्लो लाइट, ठीक है। तो इसे येल्लो लाइट सर्च करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं ये वाला येल्लो लाइट मिल जाएगा एंड इस वाले येल्लो लाइट को से यहाँ पे डन करके एंड यहाँ पे क्या सर क्या करेंगे ना, नीचे के साइड यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके रखने के बाद आप लोग को यहाँ से लेयर पे क्लिक करके यहाँ मूव डाउन कर लें, ठीक है गाइस। एंड मूव डाउन करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे फोटो बन के आपका रेडी हो चुका है, सेम रेडी हुआ है, ठीक है गाइज। आप लोग जाके कहीं भी चेकआउट कर सकते हैं, सेम फोटो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हूँ, काफ़ी सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, काफ़ी तगड़ा फोटो भी एडिट हुआ है यहाँ पे बहुत कम एकदम, इतना आसान तो आप लोग कोई बताया नहीं हो क्योंकि मैं एकदम सारा 100% रियल बताया हूँ। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।